नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए शुरुआत करते हैं गांव ठाणे की खबरों की। चलिए शुरुआत करेंगे भीलवाड़ा की खबर के साथ, जहां जिले के शाहपुरा देवली मार्ग पर देर रात को टैंकर के चपेट में आने से स्कूल टेम्पो खाई में जा गिरा। आग लगने से पूरा टेम्पो जलकर खाक हो गया। इस हादसे में चालक और एक अन्य व्यक्ति बाल बाल बच गए। नासरदा निवासी जीताराम जाट अपने साथी ओम प्रकाश के साथ शाहपुरा से नासरदा जा रहा था। देवली मार्ग पर एक टैंकर ने टेम्पो को कट मारा, टेम्पो खाई में जा गिरा। उसमें सवार दोनों लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। खाई में गिरते ही टेम्पो में आग लग गई। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पुलिस और खनिज विभाग ने वज्री के खिलाफ अभियान चलाकर बुधवार को 9 ट्रकों को जब्त किया। सभी ट्रकों से बजरी के परिवहन के लिए एमपी के 3 दिन पुराने रवन्नाओं का उपयोग किया जा रहा था, जिन्हें खनिज विभाग के अधिकारियों ने दुरुपयोग की श्रेणी में मानते हुए 9 ट्रकों को जब्त कर जुर्माना वसूला है। महाराष्ट्र से चुराई गई जीप में करीब 8 लाख रुपए का डोडा पोस्ट की तस्करी कर रहे बदमाश को सिरोही की पालड़ी एम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 5 जिंदा कारतूस सहित पिस्टल, कार और 143 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया। इस दौरान दो आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की जांच सिरोही कोतवाली थाना अधिकारी आनंद कुमार को सौंपी गई है। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमलाराम सहित किसानों की गिरफ्तारी के बाद अब 24 किसानों को एसडीएम कोर्ट पेश किया गया। एसडीएम ने सभी को जेल भेजने के आदेश दिए। सभी को 28 फरवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। जेल जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमलाराम ने कहा कि अगर हमें जयपुर कूच करने से रोका गया तो हम प्रदेश के किसी गांव में भाजपा के विधायक सांसद को नहीं घुसने देंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राज्यपाल कल्याण सिंह बुधवार को हेलीकॉप्टर से झालावाड़ के मनोहर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने महारानी अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण किया। इसके बाद वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें सीएम ने बजट में की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने झालावाड़ जिले के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी से अवगत करवाया। अलवर के कांकर छाजा गांव में एक वीरांगना के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां पर तिजारा में रहने वाली एक वीरांगना कोकल यादव के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। वीरांगना कोकल यादव ने बताया कि उनके ससुर जेठ रिश्तेदारों ने उसके साथ प्लॉट खरीदने में धोखाधड़ी की। वीरांगना ने तिजारा थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। करौली में इन दिनों पतंजलि प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर एसडीएम राजनारायण शर्मा और तहसीलदार गोपाल सिंह मीणा में तलवारें खींची हुई है। गोविंद देव जी मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं की काली नजर है। मंदिर ट्रस्ट ने तहसीलदार के शहर पर जमीन पर कब्जा करने की शिकायत दी तो कलेक्टर ने एसडीएम करौली को जांच सौंप दी। इस बारे में एसडीएम राजनारायण शर्मा ने बताया कि वो आला अधिकारियों के निर्देश पर जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। राजस्थान में अपराधी बेखौफ है। बात बाड़मेर की करें तो यहां पर अपराधियों के दो गैंग सक्रिय हैं, जिसमें एक गैंग के मुखिया भैराराम और उमेश जाट नामक दो बदमाश हैं, तो वहीं दूसरी गैंग के मुखिया माटपुरा बरवाला निवासी खरताराम जाट है। इन दोनों के बीच गैंगवार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आप खुद इस लाइव वीडियो को देख सकते हैं, किस तरह से हरीश जाखड़ नामक इस युवक के साथ कुछ बदमाश मारपीट कर रहे हैं, लेकिन ये युवक चीखता चिल्लाता है, फिर भी बदमाशों को इस पर दया नहीं आती और आखिरकार इस शख्स की मौत हो जाती है। जयपुर के चोमू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कुमार बाजिया और महासचिव पूरन पलसानिया के नेतृत्व में सैकड़ों वकीलों ने थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी को अवैध टोल हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा। वकीलों का कहना था कि जेडीए की ओर से बनाई गई आनंद लोक स्कीम पर पूर्व में अवैध टोल बूथ प्रशासन की ओर से लगाया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हटवा दिया गया था, लेकिन पुनः अवैध टोल बूथ लगा दिया गया, जिसे हटवाने के लिए ज्ञापन दिया गया। भीलवाड़ा के आसन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजीव गांधी यूथ ब्रिगेड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दशरथ वर्मा का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। यहां वर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है। उन्होंने ये भी कहा कि कई आमजन किसान दलित सहित सभी वर्ग राज्य सरकार की नीतियों के कारण परेशान है, जिससे कि लोगों में आक्रोश है। चित्तौड़गढ़ के आकोला कस्बे के बेचड़ नदी के तट पर स्थित नामदेव भवन में हस्तकला सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष आकुला भीम सिंह छाला रहे। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपना ग्रुप बनाकर हस्तकला के माल को आसानी से बेच सकती हैं, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। चित्तौड़गढ़ के निम्बहेड़ा में कोतवाली थाने पर नवपदस्थ एएसपी सुधीर चौधरी ने शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा, शांति समिति सदस्यों से समस्याओं पर चर्चा की गई, साथ ही अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था सहित अन्य समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। देर रात बजने वाले डीजे साउंड, शेखावत सर्कल पर ट्रेवल्स बसों से हो रही परेशानी और आदर्श कॉलोनी में स्थित पुलिस चौकी पर जाब्ता तैनात करने संबंधी निर्णय किए गए।
भीलवाड़ा के बरिंडा में पंचायत समिति क्षेत्र के घट्टा ग्राम में दो दिवसीय कलश स्थापना महोत्सव संपन्न हुआ। महोत्सव के अंतिम दिन विशाल हरि बोल प्रभात का संगम हुआ, जिसमें करीब 61 दलों ने भाग लिया। भीलवाड़ा के बनेडा में अक्षय स्मारक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं को तंबाकू के सेवन से होने वाले रोगों के बारे में जागरूक किया गया और साथ ही कोटपा एक्ट 2003 के बारे में जानकारी दी गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बहेड़ा में यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी की अनुशंसा पर पशुपालन विभाग द्वारा स्वीकृति जारी की गई। पंचायत समिति क्षेत्र की 11 ग्राम पंचायतों मुख्यालयों पर नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने के लिए कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी के निर्देश पर यह स्वीकृति जारी की गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने बताया कि ग्राम पंचायत मुख्यालय कोटड़ा सहित अन्य मुख्यालयों पर केंद्र खोलने की स्वीकृति जारी की गई है। प्रतापगढ़ के अरनौद में सालमगढ़ के स्थानीय राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य पूनम चंद रैदास के उपजिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापना हुई। नंदलाल मीणा का वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति होने पर विद्यालय परिवार की ओर से भावुक विदाई दी गई। विदाई समारोह में सरपंच प्रकाश चंद्र मीणा, एएसआई शिशुपाल सिंह, शांतिलाल जैन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ के निम्बहेड़ा में राष्ट्रीय टीकाकरण के तहत खंड स्तरीय एक दिवसीय 6 माही टीकाकरण रिव्यू मीटिंग व प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीसीएचएमओ डॉक्टर मंसूर अहमद खान ने बताया कि टीकाकरण के लक्ष्य को 100% हासिल करने के लिए आशा सहयोगिनियों को निर्देश दिए गए। पाली के रानी क्षेत्र के उड़वाड़िया गांव में दोपहर के बाद दिनदहाड़े फुआराम देवासी के घर ताला तोड़कर चोरों ने हाथ साफ किया। 16,000 नकदी सहित सोने चांदी के गहने लेकर चोरी कर लिए। वहीं मकान मालिक को शाम को घर लौटने पर ही वारदात का पता चला। वहीं भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य सुमित्रा राजपुरोहित ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर जल्द ही चोरों को पकड़ने की मांग की। चलिए खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए वह फिर से रुक करते हैं गांव ठाणे की खबरों का। चलिए रुक करेंगे पाली का, जहां रानी में सोमेश्वर में आगमन पर राजस्थान यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव व पाली जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष यशपाल सिंह कुंपावत का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 75,000 मतदाता युवा है, जो कि भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुके हैं। भाजपा के झूठे वादों से युवा वर्ग तंग आ चुका है। बाड़मेर के सिवाना में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत केंद्रीय आम बजट में श्रमिकों के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाने के खिलाफ काला दिवस मनाया गया। इस विरोध को जारी रखते हुए काली पट्टी बांधकर जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ के कार्यकर्ताओं ने रोष प्रकट किया। कनिष्ठ अभियंता सिवाना सुरेंद्र चौधरी व अशोक मीणा समदड़ी ने भी इस विरोध प्रदर्शन में कर्मचारियों का समर्थन दिया। बाड़मेर के समदड़ी में निकटवर्ती राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय राखी में राजीव गांधी विज्ञान क्लब के तत्वाधान में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। व्याख्याता सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों की 5 टीमों ने भाग लिया। वहीं सुशील कुमार शर्मा द्वारा विज्ञान से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उदयपुर के झाड़ोल में कुराबड़ पंचायत समिति के अंतर्गत आज रामज गांव में सेवा मंदिर संस्था व ग्राम विकास समिति के सानिध्य में ढोलवादन के साथ रैली निकाली गई। अध्यक्ष पद्माराम मीणा की अध्यक्षता में बैठक करते हुए निर्णय लेते हुए बांस कटाई से चारागाह में होने वाले फायदे और समिति सदस्यों को होने वाले आर्थिक लाभ की जानकारी दी गई। भीलवाड़ा के रायला थाना क्षेत्र के ईरान ग्राम पंचायत के खेत से गुजर रही 33 KV लाइट की चिंगारी गिर रही थी, जिसके बुझाने से बालक झुलस गया। जहां पर पास ही कार्य कर रही हरपुल की माँ और काका ने जलती चिंगारी को बुझाया। उपचार के दौरान भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि बालक हरपुल 12 वर्ष का है, जो कि अपनी माँ के साथ खेत पर गया था, जो कि बुरी चोरण 33 KV विद्युत लाइन के नीचे चिंगारियों की चपेट में आने से झुलस गया था। जयपुर के सामर में कुमावत धर्मशाला में युवा संगठन की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में समाज के युवा मौजूद रहे, जिसमें सभी को साथ मिलकर संगठन को मजबूत बनाने, समाज का विकास करने, समाज में बची कुरीतियों को मिटाने सहित आदि मुद्दों पर चर्चा की गई।
नागौर के मकराना में बाईपास मार्बल मंडी में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात चोरों ने बाईपास रोड स्थित अरावली मार्बल के सामने सफेद संगमरमर मार्बल चोरी कर लिया। यहां चोर करीब 300 फीट मार्बल चुरा कर ले गए, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। नागौर के खिमसर में अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM इंद्रजीत यादव को ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में किया यहां पर उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीलवाड़ा के फूलिया कला में NH 148D के निर्माण में कछुआ चाल से ग्रामीण परेशान है। कोठिया कस्बे के बस स्टैंड पर करीब 1 किलोमीटर रोड को 1 साल पहले तोड़ दिया गया। वही निर्माण कार्य धीमी गति से चलने के कारण मार्ग पर चलने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उड़ने वाली धूल मिट्टी से ग्रामीणों में बीमारी का भय बना हुआ है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में नगर पालिका में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 2 पार्षदों ने शपथ ली। नगर पालिका मंडल भवन में ये समारोह हुआ, जहां पर SDM अनिल कुमार महला ने इन पार्षदों को शपथ दिलाई। समारोह में सीकर UIT के चेयरमैन हरिराम रणवा ने भी शिरकत की। नागौर के पर्वतसर में किसान नेताओं की गिरफ्तारी मामले में तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसानों की रिहाई की मांग के साथ ही सरकार की दमनकारी नीति का जमकर विरोध किया गया। वहीं 11 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया। पाली के सोजत क्षेत्र के चांदसनी गांव निवासी वीरम राम देवासी निजी काम से पांचवा गांव जा रहा था कि रास्ते में पागल जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में अपनी जान पर बनती देख वीरम राम ने साहस के साथ सूझबूझ का परिचय देते हुए करीब 1 घंटे तक उससे जूझता रहा। इसके बाद ग्रामीणों ने जंगली सुअर को रस्सी से बांधकर युवक को चंगू से छुड़ाया और अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में किसान नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर जमकर नारेबाजी की गई और पुतला जलाया गया। इस दौरान किसानों ने सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया। सीकर के रिंगस के समीपवर्ती खाटू श्याम जी में चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ बाबा श्याम के दरबार में पहुंच गए। सराफ ने शीश नवाकर मनोकामना मांगी और देश प्रदेश की खुशहाली की मनोकामना की। मंदिर कमेटी के मंत्री प्रताप सिंह चौहान ने चिकित्सा मंत्री का स्वागत किया, साथ ही श्याम दुपट्टा उड़ाकर और श्याम प्रतीक चिन्ह देकर नवाजा। भीलवाड़ा के आसिंद में 2 दिन पहले लापता हुए युवक का शव गांव से बाहर एक कुएं में मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजसमंद के देवगढ़ क्षेत्र के काचबली बांब में आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक मकान से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। हालांकि आरोपी जरूर मौके से फरार हो गए। जोधपुर के बरौदी के लक्ष्मण नगर में चौराहों पर 2 साल पहले लगी सोलर लाइट्स, जो कि कुछ दिन चलने के बाद ही खराब हो गई। इससे रात को आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। सीकर के रिंगस में खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का लक्खी वार्षिक लक्खी मेला अब धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। वहीं बाबा का दरबार सच कर तैयार हो चुका है। बाबा के मुख्य द्वार पर अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण, माँ दुर्गा और शिव नंदी के साथ ही विराजमान है। मंदिर परिसर में पहुंचते ही भगवान के दर्शन करते ही श्रद्धालुओं की थकान दूर हो जाती है। जोधपुर के भरौदी में बाबों की ढाणी में युवाओं के एक दल ने अनूठी और सराहनीय कदम उठाया। यहां पर युवाओं ने कन्नी सहाय विधवा के परिवार को आर्थिक और खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई है। जोधपुर के ओसिया में पंचायत समिति सभागार में हेलमेट जागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। यहां पर सरपंच श्यामलाल ओझा सहित ग्रामीणों ने हेलमेट पहनकर वाहन चलाने का संकल्प लिया। इस कार्यशाला में ग्रामीणों को सड़क दुर्घटनाएं, सड़क और सड़क सुरक्षा, हेलमेट का उपयोग, सीट बेल्ट और एयरबैग सहित सड़क सुरक्षा की जानकारियां दी गई। भीलवाड़ा के करेड़ा में राजस्थान किसान एवं खेत मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह चौधरी ने पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लाखाराम गुर्जर को प्रदेश किसान खेत मजदूर कांग्रेस महासचिव मनोनीत किया है। उदयपुर के कोटड़ा में घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में 10 साल से फरार आरोपी को पुलिस ने थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गुजरात के गांव से गिरफ्तार कर कोर्ट से जेल भेज दिया। जयपुर के सामर लेक में रिणगी गांव में भगवान देवनारायण के नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन विधायक निर्मल कुमावत की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य अतिथि मोटर गैराज मंत्री हिम सिंह भड़ाना रहे। इस दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। वहीं मंदिर में 71 जोड़ों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हवन में आहुतियां दी। कोटा के इटावा क्षेत्र में इटावा से गेता और खातोली से कैथुदा सड़क मार्ग के लिए 60 करोड़ की राशि स्वीकृत होने के बाद नगर पालिका कार्यालय पर आतिशबाजी की गई। पालिका चेयरमैन धर्मेंद्र आर्य, पार्षद और भाजपा नेताओं ने मिठाइयां बांटी। चलिए खबर पंचायत में यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चल लौटे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणे की खबरों में। तो ये आगे बढ़ेंगे पाली की खबर के साथ, जहां देसूरी उपखंड मुख्यालय पर राजस्थान पटवार संघ उप शाखा देसूरी के पटवारियों ने उनकी मांग पर 8/1/2018 पर कोई कार्यवाही नहीं होने से पटवार संघ में रोष व्याप्त है। इस दौरान पटवार संघ ने जी न्यूज को बताया कि पटवार संघ लंबे समय से अपनी वाजिब मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनरत है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में मारुति वैन में एक प्रसूता ने बच्चे को जन्म दे दिया। आगूचा सीएचसी हॉस्पिटल के निकट पेट्रोल पंप पर ही चिकित्सक राकेश बड़वा और एएनएम सीता ने कार में ही प्रसव करवाया। पाली के सोजत में 3 दिवसीय मंदिर जीर्णोद्धार व प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव धार्मिक आयोजनों के साथ समापन हुआ। महोत्सव के दौरान पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया, कलश यात्रा और झांकियां भी निकाली गई। भीलवाड़ा के रायला में रेलवे लाइनों में विद्युतीकरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें 3 लिफ्ट लगेगी, साथ ही फुट ओवरब्रिज भी बनाया जाएगा। जोधपुर के ओसिया में सामराऊ गांव का एक परिवार आज भी अनेक समस्याओं और बीमारियों से जूझ रहा है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी बुजुर्ग विधवा के कंधों पर है। परिवार में 5 सदस्य हैं, जिसमें इकलौता बेटा दोनों आंखों से नेत्रहीन है और उसकी पत्नी और लड़का भी मानसिक बीमारी से ग्रसित है। वहीं आज तक परिवार को सरकारी मदद नहीं दी गई। पाली के देसूरी में केंद्रीय विधि राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान पूर्व आयुर्वेद राज्य मंत्री अचला राम मेघवाल, उपखंड अधिकारी राजेश मेवाड़ा, विकास अधिकारी विक्रम सिंह राजपुरोहित, उप प्रधान खीमाराम चौधरी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने सौर ऊर्जा लगाने पर जोर देते हुए कहा कि सोलर ऊर्जा पर 10 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी। पाली की देसूरी में राठीलाल चौराहे पर आए दिन मुख्य रास्ते पर ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई नालियों के क्षतिग्रस्त होने से नालियों का दूषित पानी फैला रहता है, जिससे कि आमजन को रास्ते से गुजरते वक्त भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रतापगढ़ के धरियावद में सीनियर हायर सेकेंडरी विद्यालय में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित जनजाति युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपखंड के समस्त विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सामूहिक एकल नृत्य, चित्रकला, आशुभाषण, वादन कला की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। भीलवाड़ा के रायला में एक कार में लिफ्ट लेकर बैठे ही लुटेरे चालक को डरा धमकाकर कार छीनने की कोशिश करने लगे। इस पर चालक ने बहादुरी दिखाते हुए लुटेरों पर हमला कर दिया। लुटेरे लांबिया टोल नाके पर कार को छोड़कर जंगल में भाग गए। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने नाकाबंदी भी कराई, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। अजमेर के रूपनगढ़ में राजस्थान पटवार संघ के मांग पत्र पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने पर बुधवार को कलम डाउन हड़ताल की गई। इस दौरान तहसील कार्यालय में कर्मचारी उपस्थित तो हुए, लेकिन किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया गया। साथ ही तहसील कार्यालय के गेट पर बैठकर प्रदर्शन किया गया और तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पटवारियों ने सरकार द्वारा मांगों पर ध्यान नहीं देने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। चूरू के रतनगढ़ में किसानों के आंदोलन को लेकर पुलिस ने NH-11 पर वीरमसर के पास नाकाबंदी कराई थी। इस दौरान आज अल सुबह तेज गति से आ रहे एक बाइक सवार ने नाकाबंदी पर खड़े पुलिस जवान को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार और पुलिसकर्मी दोनों गंभीर घायल हो गए, जिन्हें रतनगढ़ चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां से दोनों को सीकर रेफर कर दिया गया। अलवर के बहरोड के ढिंडोर गांव में 4 महीने पहले 10 फीट की ITI का श्रम मंत्री जसवंत सिंह यादव ने शिलान्यास किया था, जिसकी पट्टिका को कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। इस घटना के बाद ढिंडोर और गादोज गांव के लोगों में रोष व्याप्त है। सूचना के बाद बहरोड पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। गादोज सरपंच ललिता यादव ने बहरोड थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। भरतपुर के बैर में पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में कुख्यात अपराधी को यूपी से गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ कई थानों में लूट, डकैती, अपहरण, फिरौती और ट्रांसफार्मर चोरी के करीब 1 दर्जन प्रकरण दर्ज है। भरतपुर के बैर में निर्वाचन संख्या 9 ग्राम पंचायत रणधीरगढ़ में पंचायत समिति सदस्य के होने वाले उपचुनाव में अंतिम तिथि तक मात्र 1 नामांकन पत्र कांग्रेस प्रत्याशी ने जमा करवाया, जबकि भाजपा की ओर से कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ। इस कारण अब कांग्रेस प्रत्याशी के निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है। अजमेर के रूपनगढ़ में अवैध खनन कर परिवहन करते हुए ट्रैक्टर पकड़ा गया। मौके पर पहुंचे पंचायत समिति सदस्य रामगोपाल गरवा को ट्रैक्टर चालक को टोकना महंगा पड़ गया। ट्रैक्टर चालक के परिजनों ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी ट्रैक्टर छोड़कर भाग गए। सूचना के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चूरू के सरदार शहर में किसान नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। यहां गांधी चौक पर किसानों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपा। वहीं से पहले किसान मजदूर भवन में रैली निकाली गई, जो कि मुख्य रास्तों से होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां पर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान सभा ने प्रदेश महामंत्री पर सरकार पर आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया है।
झुंझुनू के दोपहर वाटी में सीएलजी की बैठक एसडीएम शिवपाल जाट की अध्यक्षता में हुई। यहाँ थाना अधिकारी रामेश्वर बगड़िया, विधायक शिवकरण चौधरी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में इंद्रपुरा हरिओम नर्सरी के पास डंपर की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद उदयपुर वाटी पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर के टायरों के बीच में फंसे युवक के शव को जेसीबी मशीन से निकाला। संयोजक बालमुकुंद योगी ने बताया कि मुख्य अतिथि पीओ गोवर्धन लाल शर्मा ने विजेता टीमों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। भरतपुर के डीग में गांव पहलवाड़ा स्थित गौशाला में सुमेरु महोत्सव की तैयारी और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान कलेक्टर एनके गुप्ता, एसपी अनिल कुमार ठाक, एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह कविया, एसडीएम डॉक्टर डीसी मीणा जड़खोड़ धाम पहुंचे। भरतपुर के डीग के गांव सेव जड़खोड़ गौधाम में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ और संत समागम का आयोजन हो रहा है। यहां रमन रेती के संत गुरु शरणानंद महाराज ने कहा कि सभी ग्रंथों और धर्मों का सार भागवत गीता में है। इसी दौरान उन्होंने गौरक्षा ब्रिज की महिमा पर प्रकाश डाला। भरतपुर के रुदावल में वंशी पहाड़पुर मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे में घायल युवक ने जिला चिकित्सालय ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया। नागौर के खेमसर में उपखंड अधिकारी इंद्रजीत यादव ने कार्रवाई करते हुए पॉलिथीन और प्लास्टिक कप जब्त किए। एसडीएम ने पुलिसकर्मियों ने ये कार्रवाई की, इस दौरान दुकानदारों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। सीकर के श्री माधोपुर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक कोष से बने 27 लाख से निर्मित कक्षा कक्षों का लोकार्पण हुआ। कक्षा कक्षों का लोकार्पण नगर पालिका अध्यक्ष कुसुमपुरी एवं विधायक पुत्र दुर्गा सिंह खर्रा के कर कमलों द्वारा किया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में कस्बे के श्री पीर मंदिर से मलेर कोटला धाम के लिए डाक ध्वजा गद्दीदार बाबा सतपाल गोयल के सानिध्य में धार्मिक विधि विधान से रवाना हुई। डाक ध्वजा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। डाक ध्वजा के साथ लेकर करीब 1.5 दर्जन श्रद्धालु रवाना हुए। श्रीगंगानगर के साधु शहर के जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कलेक्ट्रेट पर क्रमिक अनशन रखा गया, जिसमें गंगानगर की सभी विधानसभा के 5-5 लोग रोज बैठेंगे। चलिए खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।